आज 29 जुलाई 2023 की रात को सोने से पहले, इससे पहले कि ये दिन समाप्त हो, मैं अपने आप को एक बार फिर ये स्मरण दिलाना चाहती हूँ कि मेरा परमेश्वर मुझे लज्जित होने नहीं देगा। वो अपने मुख का प्रकाश हम सब पर चमकाएगा, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमें थाम लेगा, वो हमें अपने पास बनाकर रखेगा। भजन संहिता 31 पद 15 से 17। मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हे यहोवा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। दुष्ट लज्जित हों और वे मृतक लोक में चुपचाप पड़े रहें। क्या परमेश्वर ने किसी चीज का वायदा आपसे किया है? क्या परमेश्वर ने कोई विशेष बात आप पर प्रकाशित की है? क्या परमेश्वर ने आपको आगे बढ़ने को कहा है और वायदा किया है कि वो आपके आगे आगे चलेगा? तो फिर हमें परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे दिन हमारे परमेश्वर यहोवा के हाथ में है और हमारा परमेश्वर अपने वायदों को अवश्य पूरा करता है। वो हमें लज्जित होने नहीं देगा। आज की रात परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके वायदों को थामे रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके समय और उसके तरीकों पर विश्वास करें। आइए अपने संपूर्ण मन से ये विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे साथ है, उसके मुख का प्रकाश हमारे ऊपर है और परमेश्वर हमें कभी भी लज्जित होने ना देगा। आज की रात आंखें बंद करते हुए मेरी यही प्रार्थना है। हे मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमारे दिन आपके हाथों में हैं और आप अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाते हैं। हे परमेश्वर, अपनी करुणा से हमारे साथ रहें, अपनी करुणा के कारण हम पर अनुग्रह करें, हमें लज्जित ना होने दें, क्योंकि हमने तुझी को पुकारा है और हमारा भरोसा केवल तू है। आमीन। बिफोर आई गो टू स्लीप ऑन द नाइट ऑफ 29 जुलाई 2023, बिफोर माई डे इज डन, आई वॉन्ट टू रिमाइंड माई सेल्फ दैट माई गॉड विल नॉट लेट मी बी पुट टू शेम। He will let His face shine upon all of us. He will hear us and uphold us. Psalm 31, verses 15 through 17. My times are in Your hands. Deliver me from my enemies and from those who pursue me. Let Your face shine on Your servant. Save me in Your unfailing love. Let me not be put to shame, O Lord, for I have cried out to you. But let the wicked be put to shame and lie silent in the grave. Has God promised you something? Did God reveal something to you? Did He ask you to go ahead as He leads you? Trust in Him, because our times are in His hands. This evening God is reminding us that He will fulfill His words, that He will take care of us, and that He will not let us be ashamed. Tonight, let's hang on to God's promises. Let's trust in Him and in His times. Let's believe with all our heart that God will not let us be put to shame. As I close my eyes tonight, this is my prayer. O God Almighty, I thank you, for you are my God, and my times are in your hands. O God, you let your face shine upon each one of us,
and you save us with your unfailing love. Help us, God, so that we may continue to trust in you and in your time. Help us to see your glory, and help us so that we may be never put to shame. Amen.